मैं तो छोटे छोटे मिनिएचर्स बनाता था, मुझे पता ही नहीं था कि एक छोटे मॉडल को, की मॉडल को बड़े स्केल पे या लाइफ साइज स्केल पे कैसे लेके जाना है। मेरे अपने इलाके में बहुत सारे टैलेंटेड बच्चे हैं, बहुत सारे टैलेंटेड लोग हैं जो अपने टैलेंट को आगे नहीं लेके जा सकते या उनके पास अपना कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पे वो अपने आप को शो कर सकते। फरूख भाई जितने अच्छे आर्टिस्ट हैं उससे बढ़ के अच्छे इंसान हैं और एक प्योर सोल रखते हैं। इनके काम के अंदर जो पावर है उसे देख के हमें भी एनर्जी मिलती है और पाकिस्तान को ऐसे आर्टिस्टों की बहुत जरूरत है। हमारे यहाँ फनून लतीफा के बारे में वो गर्मजोशी नहीं पाई जाती जो हमें दुनिया के दूसरे ममालक और हिस्सों में नजर आती है। जाहिर है इसकी वजूहात में मुकामी समाज, मजहबी रुझानात, मुआशरती और सकाफती रवायात और किसी हद तक हुकूमतों की तरफ से फनून लतीफा को नज़रअंदाज करने जैसे रवैये शामिल हैं। खास तौर पर फन मुजस्मा साजी हमारे यहाँ बहुत हद तक ज़वाल पज़ीर है। लाहौर, कराची और दूसरे बड़े शहरों में कायम आर्ट के सरकारी तालीमी अदारों और इस्लामाबाद में लोक विरसा जैसे अदारे के अलावा फनून लतीफा के हवाले से न सिर्फ बहुत कम मालूमात मुयस्सर हैं बल्कि चंद नुमायां शहरों के अलावा पूरे मुल्क में मुसव्वरी, कैलीग्राफी, फोटोग्राफी, मौसीकी, डांस और पुतली तमाशा जैसे फनून की तरवीज में मसरूफ अदारों या अफराद का सुराग लगाना तकरीबन नामुमकिन है। शायद यही वजह है कि हमारे समाज में अदम बर्दाश्त और गुस्से के मजाहर आम नजर आने लगे हैं और पब्लिक मकामात से लेकर बाज़ औकात इबादत गाहों तक में लोग एक दूसरे के साथ गुत्थम गुत्था नजर आते हैं। ऐसे में फन मुजस्मा साजी को अगर किसी शहर या गाँव में जिंदा जावेद देख लिया जाए तो खुशी से ज्यादा हैरत होती है। इसमें शक नहीं कि बरसगीर में मुजस्मा साजी के फन को बुद्ध मत ने खास तरक्की दी और आज के पाकिस्तान में शामिल बहुत से इलाकों में फन मुजस्मा साजी उरूज पर था और बड़े बड़े नामवर संगतराश कई सदियों तक अपने फन का मुजाहरा करते रहे। लेकिन रफ्ता रफ्ता फन मुजस्मा साजी फन के सरकारी अदारों और खास तौर पर महज तरबियत गाहों तक महदूद होकर रह गया। बरसगीर में फन मुजस्मा साजी को मुगल दौर में ऐसे इलाकों तक में फैलाया गया जहाँ इससे पहले ये रवायत मौजूद नहीं थी। फन मुजस्मा साजी या संग तराशी की रवायत पहाड़ी इलाकों में ज्यादा देर तक जिंदा रही। रावलपिंडी के इलाके कलर सजदा की नवाही बस्ती दोबेरन कलाम में आज भी ये फन अपनी पूरी आबोताब के साथ जिंदा और जावेद है। तारीखी शहर जेलम से हिजरत करके दोबेरन कलाम में आबाद हुए सैयद खानदान के चश्मो चराग फर्रख शाह ने फन मुजस्मा साजी को एक नई जहत से रूशनास कराया। मैं तो छोटे छोटे मिनिएचर्स बनाता था, मुझे पता ही नहीं था कि एक छोटे मॉडल को, की मॉडल को बड़े स्केल पे या लाइफ साइज स्केल पे कैसे लेके जाना है। तो वो सारा काम मैंने अपने सर से सीखा कि एक की मॉडल को, छोटे मॉडल को बिग स्केल पे कैसे लेके जाना है। सपोज़ के उसकी पहले आर्मेचर बनाना, उसका आयरन से उसका आर्मेचर बनाते हैं, फिर उसका मॉडल बनाते हैं क्ले में या प्लास्टर ऑफ पेरिस में हम मॉडल बनाते हैं। उसके बाद उसकी मोल्डिंग, कास्टिंग, फाइबर ग्लास में जो सारा प्रोसेस होता है उसका एक फाइनल शेप देना, उसको फिनिशिंग, कलरिंग। फरख शाह को ये फन विरसे में मिला है। फरख के दादा संग तराशी के माहिरीन में से शुमार होते थे। दादा ने बचपन में ही कम सन फरख के हाथों में हुनर की लकीर देख ली और उन्होंने फैसला किया कि फरख इस फन को अपनाएगा। फरख शाह बचपन में जंगी जहाजों के छोटे छोटे मॉडल बनाते और साथ साथ उन्होंने खूबसूरत मिनिएचर्स बनाने का सिलसिला भी जारी रखा। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया बच्चे के हाथ में सफाई आती गई और वो नहायत खूबसूरत नक्श उभारने लगा। फरूख भाई जितने अच्छे आर्टिस्ट हैं उससे बढ़ के अच्छे इंसान हैं और एक प्योर सोल रखते हैं जो कि एक आर्टिस्ट के लिए बड़ा जरूरी है कि वो उसके अंदर प्योरिटी हो तभी वो अच्छा काम प्रोड्यूस कर पाएगा। और मैंने कभी इनको किसी के साथ नाराज होते नहीं देखा, अगर होते भी है तो शॉर्ट टाइम के लिए। और काम के साथ इनकी जो डेडिकेशन है वो मैचलेस है। इनके काम के अंदर जो पावर है उसे देख के हमें भी एनर्जी मिलती है और पाकिस्तान को ऐसे आर्टिस्टों की बहुत ज़रूरत है क्योंकि ये वो आर्टिस्ट हैं कि जिनको किसी डिग्री की, किसी सिफारिश की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत मेहनत की, अपने काम की बेस पे आगे आए।
फरक शाह ने अपने फन को बाकायदा तौर पर किसी उस्ताद की तरबियत से संवारने का फैसला किया तो उन्होंने मायानाज संगतराश आफताब चंगेजी की शागिर्दी इख्तियार कर ली। उस्ताद की मेहनत से खाम सोना कुंदन की सूरत इख्तियार करने लगा। फरक शाह ने अपने आबाई गांव दोबेरन कलां में क्ले ऑन नॉक के नाम से अपना स्टूडियो बनाया और दिन रात अपने फन के जौहर दिखाने लगा। इंस्टीट्यूट को ग्रो अप करना यहाँ पे, क्योंकि मेरे अपने इलाके में बहुत सारे टैलेंटेड बच्चे हैं, बहुत सारे टैलेंटेड लोग हैं जो अपने टैलेंट को आगे नहीं लेके जा सकते या उनके पास अपना कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पे वो अपने आप को शो कर सकें। तो इंशाल्लाह इन फ्यूचर इंस्टीट्यूट भी हमारा होगा जिसके अंदर हम फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को सिखाएंगे, क्योंकि अल्लाह ताला ने मुझे इस काबिल बनाया। तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं अपने फ़न को, अपने हुनर को आगे प्रमोट करूँ और लोगों तक भी पहुँचा सकूँ। इंशाल्लाह इन फ्यूचर मेरा ये भी प्रोजेक्ट है, मेरा इरादा है कि मैंने इटली का भी विज़िट करना है, क्योंकि इटली में बहुत नामी ग्रामी आर्टिस्ट हैं, बहुत बड़े बड़े नाम हैं जिनके साथ अभी बात तो होती रहती है अक्सर सोशल मीडिया पे भी और इस तरह से। तो इंशाल्लाह मेरा इटली का भी विज़िट है, वहाँ से एक एडवांस कोर्स फर्ज करेंगे उसके लिए मैंने जाना है, तो वहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इलाके में जब फरक शाह के हुनर का चर्चा हुआ तो इसको बहुत पज़ीराई मिली। फिर फरक शाह कौमी सतह पर बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स करने लगा। फरक शाह ने बताया कि मेरा रोजगार भी इस फन के साथ वाबस्ता है। फरक शाह इस फन को आगे बढ़ाने के लिए दिलचस्पी रखने वाले नौजवानों की तलाश में है। ऐसे उस्ताद मिले हैं जिनसे काम सीखने को बहुत बहुत कुछ मिला है, और हम मुख्तलिफ जगह पे हम गए हैं जैसे PRC मर्दान म्यूज़ियम और PMA काकुल और टेक्सला म्यूज़ियम में भी काम किया है, और हमारी खुशकिस्मत भी है कि हमें ऐसे उस्ताद। वो कहते हैं कि मैं अपना तजर्बा नौजवानों के साथ शेयर करना चाहता हूं और पुरुमीद हूं कि ये फ़न मरेगा नहीं बल्कि मेरे बाद इसको आगे बढ़ाने वाले बहुत पुरजोश नौजवान मुयस्सर होंगे। मेरी बात अभी चल रही है चाइना में, एक आर्टिस्ट है, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं और बातचीत होती रहती है उनसे अक्सर। तो हम सोच रहे हैं कि उस टेक्निक को हम पाकिस्तान में लेके आएँ, क्योंकि चाइना में बहुत अच्छे अच्छे और बड़े बहुत बड़े बड़े स्केल्स पे काम हो रहे हैं और वो मूवेबल हैं, एनिमेट्रॉनिक एनिमल्स हैं, बड़े बड़े स्कल्पचर भी हैं और इस तरह की चीज़ें। तो इंशाल्लाह इन फ्यूचर मेरा यही इरादा है कि उस इंडस्ट्री को हमने पाकिस्तान में लेके आना है, और बेशक मैं अकेला उसको लेके आऊँ या मेरे वो चाइनीज़ आर्टिस्ट हैं जो दोस्त हैं उनके कोलैबोरेशन से हम यहाँ पे लेके आए जिस तरह भी, लेकिन उस इंडस्ट्री को हमने पाकिस्तान में लेके। ये बड़े सगीर का फन है और इस फन को मुसलमान फातिहीन और मुसलमान शहनशाहों ने बहुत तरक्की दी, और ये हमारा फन है। हम चाहते हैं कि फन मुजस्मा साजी बाकायदा तलीमी अदारों में पढ़ाई जाए और बच्चों को इस फन में ताक बनाया जाए।